फ्रेंड्स, सो गाइस वीडियो हमारी केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे। गाइस देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजी में नियर अबाउट आप कह सकते हो 1% की थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। गाइस स्टॉक जो अभी प्राइस चल रहा है 866 पे, हमें इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी कम मिल सकती है बाइंग की। गाइस अगर आप अभी यहाँ पर टॉप पे बाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। गाइस नो डाउट ट्रेंड पहले अप था, बट इस कैंडल इस मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये अभी ऊपर जा रहा है। और अगर गाइस इस रेड कैंडल मतलब 9827 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो और भी अच्छा खासा हमें ये 1000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। बट गाइस अगर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप सोच रहे हो कि 8066 पे बाय करें, तो थोड़ा सा आपको ये मतलब कह सकते हो आप महंगे उसमें जाओगे। लेकिन अगर आपको फिर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो गाइस तब तक इसका वेट करें जब तक ये 750 तक का लेवल में नहीं आ सकता। ये कोई भी स्टॉक होता है जो ऊपर जाता है तो बाउंस बैक तो करता ही है। एंड जब तक आप जैसे कि RSI अभी भी 54 हमें दिखा रहा है, एंड अगर थोड़ा सा ये और ऊपर जाता है, अगर आपको बाइंग के तौर पे अगर आप अभी यहाँ पर रिस्क लेके चल सकते हैं तो नो डाउट इसके अंदर भी आप रिस्क लेकर अभी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं और बाइंग करके भी चल सकते हैं। देखिए कंपनी के फंडामेंटली चीजों पे बहुत भरोसा होना चाहिए, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं टेक्निकली व्यू भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग होती है बट टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होती तो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। इसलिए स्टॉक के प्राइस पे भी नजर बनाए एंड कंपनी के फंडामेंटल चीजों पे भी नजर बना कर जाए। जैसे कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ रहे हैं तो कंपनी के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसको कितना रिवेन्यू हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। एंड फर्दर वे में अगर मैं बात करूं, गाइस जब तक ये इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर देता 927 को, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा अब बुलिश ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट गाइस 1000 से ऊपर 1500 से 2000 तक का भी लेवल्स में देखने को मिल सकता है। अभी जैसे कि अगर पोजिशन है इजिली होल्ड करके चले एंड बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट करके चले। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई होगी। और गाइस मैं कभी भी अपने चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए ना रिकमेंडेशन देती हूँ ना इन्फ्लुएंस करती हूँ, स्टडी पर्पज से ये वीडियो बनाती हूँ खुद से चेक करके। तो आपको भी मैं एक यही एडवाइस दूंगी कि आप खुद से चेक करें देन इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो गाइस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।